पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। I don't get it, इतना बड़ा प्लान, पूरा प्लान कैसे फेल हो सकता है? अच्छा don't get it, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भी जिस रणवीर को तुम हुक्म का एका कह रही थी ना, वो तो जोकर बनने के भी लायक नहीं है। ओ प्लीज, जोकर रणवीर नहीं बल्कि वो वेटर था। I mean like really what the hell did you think? क्या सोचा तुमने कि उस वेटर की लिखाई पल्लवी से मैच कर जाएगी? वाह, ये उस एनवेलप पे तुम लिख सकती थी ना। निक के झूठ पकड़ने के बाद मैंने तब भी कोशिश की कि कुछ ना कुछ करूं और सबका ध्यान भटका दूं, बट ब्लडी ललिता बीच में आ गई। अनबिलीवेबल, अब वो सती सावित्री, वो भैंजी टाइप औरत पल्लवी मेरे भाई से शादी करेगी। सोचा था कि इतने सालों बाद फाइनली छुटकारा मिलेगा उस पल्लवी से, लेकिन सब कुछ इतने सालों तक किसका इंतजार कर रही थी नंदिता? सेंटा क्लॉज का, कि कब सेंटा क्लॉज आएंगे और आपकी विश पूरी करेंगे? लो, मैंने निक और पल्लवी को अलग कर दिया। हाँ प्लीज सुना ले, 18 साल पल्लवी से दूर रहा निक, फिर भी तुम निक को पल्लवी के खिलाफ नहीं कर पाई, और तुम उन दोनों को अलग करोगी? हाँ नंदिता, अलग करोगी तुम? सोनाली, नहीं ना, तुम मुझे सुनाना बंद करो। खुद के घर में तो कोई औकात नहीं और मुझे सुना रही हो, मुझ पे बस चला रही हो तुम? I'm telling you, बुरा लगा? I'm so sorry, I'm really sorry, बुरा लगा तो, लेकिन अगर बुरा लगा तो उससे डील कर लो, क्योंकि ये जो हालात चल रहे हैं ना, उससे मैं डील करूंगी। आप, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, लेकिन अब मैं करूंगी मुझे जो करना है। पल्लवी की शादी को बर्बाद करने का एक ही रास्ता है, खुद पल्लवी को बर्बाद करना। सोनाली, लिसन, व्हाटी हेल, ये क्या 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 रही थी? पल्लवी को बर्बाद करना? अरे यार, कहीं पल्लवी की जान को खतरा तो नहीं? ये लड़की कुछ भी कर सकती है। God, please, सोनाली, कोई बेवकूफी नहीं करना, please. माँ, पानी। आप ठीक हो ना माँ? माँ, आज नीचे कितना सब कुछ हो गया, आपको क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा, आपने फिर भी सब कुछ इतने रिस्पेक्टफुली और डिग्निटी के साथ हैंडल करा। हाँ माँ, ना आपने अपनी आवाज ऊंची की, ना गुस्सा किया, पेशेंस कैसे है आप में माँ? झूठ को चीखने चिल्लाने की जरूरत पड़ती है, सच अपने आप सामने आ जाता है, और दुनिया चाहे जो भी कहे, जब उसकी नजरों में आप सच्चे होते हो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती, और मुझे तो वैसे भी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। दुनिया की बातों में ना आकर तुम सब मेरा सहारा बनकर, मेरी ढाल बनकर साथ खड़े रहे मेरी शादी के दिन, इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है मेरे लिए? नहीं माँ, हमारे लिए आप और पापा गिफ्ट हो। अरे, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए लड़ाई करी और बिल्कुल गिव अप भी नहीं करा। प्यार में कभी कभी लड़ना पड़ता है, ये कहा था ना तुमने, लेकिन शांत रहकर भी ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, और आज तो हमारे पूरे परिवार ने ये लड़ाई एक साथ लड़ी है और जीती भी। माँ, मैं आपके लिए कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, आपने भी तो हमारे लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है। बस बस, अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करके इमोशनल मत कर, जा नीचे जा और जाकर देखो सब तैयार है या नहीं, और मेहमानों को नाश्ता पानी भी पूछो। हाँ, मैं तैयार होकर आती हूँ। जी माँ। कोई नहीं है, ऐसे ही घबरा रही हूं मैं।
मेरी निक से शादी शादी करोगी तुम? हाँ, मेरी निक से शादी करोगी तुम? शक्ल देखी आपने, ऐसा क्या है तुम्हें कि हर एक इंसान तुम्हें परफेक्ट समझता है? परफेक्ट पत्नी, परफेक्ट बहू, परफेक्ट बेटी, परफेक्ट बहन। बौखला गई हो तुम? बौखलाओगी तो तुम, क्योंकि तुम्हारी खुशियों की चाबी अब भी मेरे हाथ में है। याद है ना तुम्हें वो रास? याद है जो सालों पहले तुमने दफन कर दिया था? सोचो, सोचो अगर वही रास मैंने तुम्हारे परिवार के सामने ला दिया तो क्या होगा तुम्हारे परफेक्ट परिवार का? परफेक्ट परिवार की परफेक्ट बर्बादी। तुम्हारा ये रास छीन सकता है तुमसे तुम्हारा ताज। हाँ सोनाली, नॉट बैड। सोनाली तुम ये रास तुम्हें सबके सामने ला के रहूंगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये बात तो जानती है ना आप? जानती है ना ये बात? आपका ये रास अब उसका होगा पर्दा फाश। वैसे ही राज आप कब तक छुपाएंगी दी? हाँ, कब तक छुपाएंगी ये राज? और आपको क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आदर्श माँ, एक आदर्श बहू। लेकिन क्या ये निखिल की पत्नी बन सकती है इस राज के चलते? एक तरफ आपके सच का राज खुलेगा, आपका राज सामने आएगा, और दूसरी तरफ आप मेरे सामने अपनी खुशी के लिए किड़किड़ाएंगी। कितना मजा आएगा ना, है ना? ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हैं आप मुझे? ऐसे मत देखिए मुझे, प्यार हो जाएगा आपको मुझसे। लेकिन सोचिए, सोचिए अपने प्यार के बारे में, क्या होगा उसका अगर ये सच सबके सामने आ गया तो? तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा सोचोगे भी नहीं। अगर तुमने ऐसा सोचा तो मैं तो धमकी दे रही हैं आप मुझे? क्या मुझसे अपनी खुशियों की भीख मांग रही हैं? नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। जैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस राज को बोलने का ये सही वक्त है भी या नहीं। सोचिए पल्लवी दी, सोचिए, जिससे इतना प्यार करती है उसका हश्र क्या होगा? सोनाली, सोनाली, जिससे आप इतना प्यार करती हैं, जो आपसे इतना प्यार करता है, वो अगर आपसे नफरत करने लगेगा तब क्या होगा? सोनाली, टूट टूट के चूर चूर हो जाएगा। सब कुछ चूर चूर हो जाएगा, बिल्कुल इस फोटो फ्रेम की तरह। ओके गाइस, रेडी? रेडी। डैड, मुझे आपसे कुछ कहना था। आज आपने जैसे मॉम का सबके सामने सपोर्ट किया, उनके लिए स्टैंड लिया, उन पे अपना ट्रस्ट शो किया, मैं चाहती हूँ मुझे भी कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो मेरा मतलब है ऐसा आदमी जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करे, जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए जैसे आप मॉम के लिए लड़ गए। डैड, डैड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो लकी कि मैं आपकी डॉटर हूँ। या आप पापा को बता रहे हो कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए, या फिर हिंट दे रहे हो कि आपको कैसा लड़का पसंद है? लेकिन पा, आप और माँ फिर से शादी तो कर रहे हो, लेकिन आप दोनों अलग हुए ही क्यों थे? बीती हुई बातें ना करें तो बेटर है बादल। इसी दिन मैं और पल्लवी अलग, आई मीन छोड़ो ना, कुछ और बोलते हैं। छोड़ दिया। हाँ बादल, पापा सही कह रहे हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ हम खुशी की बातें करेंगे। जी दादी। कुकु माँ, इससे पहले कि आप मुझसे कुछ कहो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
मां मैं शादी करना चाहता हूँ और पल्लवी भी यही चाहती है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।